You are reputed with consistently picking films which actually not only have a certain credibility about them, but also have a popular and mass appeal with a meaningful content. Whether you have your Rang De Vasanti, I mean my friend Kamlesh Pandey is sitting here, Rang De Vasanti, Three Idiots, Dangal, PK, there is a certain kind of social content that you keep seeking. Nonetheless, I am saying you are reputed to unfailingly in the last, at least in the last dozen years or so, you have picked winners. Okay, what is the method that you I use? Wish I knew. Yeah. No, nonetheless, I want you to ponder on this and tell me how do you. देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं और वो मेरी फिल्मों की जो सक्सेस है उसका क्रेडिट वो अक्सर मुझे देते हैं क्योंकि लगातार मेरी इतनी फिल्में कामयाब हुई हैं. अब ये एक कोइंसिडेंस है कि ये सारी फिल्में इतनी कामयाब कोइंसिडेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई मीन आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम ऑल द पीपल हु वर्क इन द फिल्म. लेकिन फैक्ट ये है कि यार मैं आप सब राइटर यहाँ बैठे हैं फैक्ट ये है कि ये कहानियाँ मैंने इनमें से एक भी नहीं लिखी. ये कहानी शुरू हुई है एक शख्स के जहन से जब राजू ने पीके पे काम किया या थ्री इडियट्स पे या आशुतोष ने लगान लिखी अमोल गुप्ते ने तारे जमीन पर लिखी. All these films have started from one person's mind, and that thought itself is so beautiful. Akshat is sitting there; he's not Delhi Belly. Like, these films are my message, not by the way. Akshat is proof of that. So, these are different kinds of films, but their start started from a thought, from a person's mind, and then an organic growth happened. I strongly believe in that. Aaj tak maine bahut kam films aise ki hain जो मेरे लिए लिखी नहीं है कि भाई मैं आपके साथ फिल्म करना चाह रहा हूँ और हम लोग एक साथ में फिल्म करते हैं आप प्रोड्यूसर हैं मैं एक्टर हूँ या आप डायरेक्टर हैं और मैं एक्टर हूँ और आप मेरे लिए खास कोई अच्छी सी कहानी लिखी. मैंने ऐसा बहुत कम किया है. ऐसा मैंने अंडर प्रेशर किया मतलब एक आध दफ़ा जब मुझे हाँ मैं ना नहीं बोल पाया किसी फिल्मी शख्सियत को तब मैंने मजबूरी में या एक या दो दफ़ा हुआ वन ऑफ द मौजूद माई फादर. बट I strongly believe that the process has to be organic. I understand that. And तो इसमें फिर layers आते हैं. देखिए film making इतनी मुश्किल चीज़ है कि आप हर level पे wrong हो सकते हैं. आप writing में wrong जा सकते हैं. मान लीजिए आपकी कहानी बहुत कमाल की, script बहुत कमाल की. आप prep में wrong जा सकते हैं. आप गलत location चुन सकते हैं. वो आपकी कहानी खिल के नहीं आएगी. आप गलत casting कर सकते हैं. तो आप गलत HODs चुन सकते हैं जो उतनी commitment से काम ना करें. आपकी team सही नहीं बनेगी. तो ये हो गया सेकंड लेवल. और ये सब मैं मोटी बातें कर रहा हूँ. इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं. कहानी आपकी सही है, प्रेप आपका सही है, शूटिंग के दौरान आपने गड़बड़ कर दी. यू हैव बीन शॉट इट वेल एनफ. शूटिंग भी आपकी सही हो गई, फिर आप एडिटिंग में घुसे. एडिटिंग आपने गलत कर दी, आपकी फिल्म हराम हो सकती है. एडिटिंग भी आपकी सही हो गई, आपने साउंड डिजाइन गलत कर दिया, आपकी फिल्म हराम हो सकती है. आपने मिक्सिंग रॉन्ग कर दी, आपकी फिल्म हराम हो सकती है. आपने मार्केटिंग रॉन्ग कर दी, आपकी फिल्म हराम हो सकती है. So actually for a film to be successful, you have to center the ball in the bat at least 8, 9 or 10 times for the film to finally, and it is a collective effort of a huge number of people who, so when you ask me how am I doing it, it's on some level it's coincidence, it has happened so many times. On some level I think that I used to be very good AD. Before becoming an actor, मैं assistant director था और मैं सवाल बहुत पूछता था. तो मेरी सबसे बड़ी I think strength ये है कि मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, चाहे वो script stage पे हो और फिर हम उसके जवाब ढूंढते हैं, या हम prep stage में हो या हम shooting stage में हो. तो मैं सवाल पूछता हूँ कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, यार ये मुझे गलत लग रहा है. So when you ask the questions and sometimes you feel scared to ask the questions. यार अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया, फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, अब फिल्म देख के मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इसका जवाब नहीं मिला तो हम तो गए. बट यू शुड हैव द करेज टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड देन सर्च फॉर दैट आंसर. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन इट. आई एम समवन हु डजंट गिव अप एट एवरी लेवल एंड आई एम कॉन्स्टेंटली सर्चिंग कॉन्स्टेंटली सर्चिंग कॉन्स्टेंटली सर्चिंग. फिल्म की रिलीज के बाद भी मैं ढूंढता हूँ. हाईलाइट तो ये कि फिल्म रिलीज हो चुकी है, कामयाब हुई नहीं हुई, उसके बाद भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार ये इसमें क्या हो सकता था, कैसे होता. So I think one of the things that is probably my strength is I'm a very curious mind and I do not ever feel the fear. Today your topic is whether mind is without fear. I don't feel fear of failing. I feel fear of not trying.
मैं कोशिश नहीं करूं उसका डर है मुझे, मुझे फेल का डर नहीं है. आई वॉन्ट टू गो ऑन माई कन्विक्शन, इफ आई फेल आई फेल, आई विल मॉर्न दैट लॉस ऑल्सो. मतलब जब मेरी फिल्म नहीं चलती तो मैं खूब रोता हूं, बहुत दुख होता है मुझे, बहुत तड़पता हूं मैं, लेकिन फिर उससे निकलता हूं. जी बिल्कुल.